तो कैसे हैं आप दोस्तों, स्वागत है आपका टेंस ऑफ इंडिया के नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के 10 अनोखे तथ्य, यानी कि 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी तनख्वाह की सिर्फ 50% रकम लेते थे। 12 साल के कार्यकाल के अंतिम तबक्कों में तो सिर्फ 25% रकम लेते थे। वो कहते थे कि उनको जितनी जरूरत है उतने ही पैसे लेंगे। राष्ट्रपति की तनख्वाह तब सिर्फ 10,000 रुपए थी। नंबर 9, श्रीकांत जिचकर भले ही हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। उनको वर्ल्ड्स मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन के नाम से जाना जाता है। IAS, IPS, लॉयर, डॉक्टर, फोटोग्राफर वगैरह वगैरह के साथ साथ श्रीकांत जी 25 साल की छोटी उम्र में MLA बन चुके थे। नंबर 8, मिजोरम की जियोना चना विश्व का सबसे बड़ा परिवार चलाते हैं। उनको 39 बीवियों से 94 बच्चे हैं, 14 बहुएं हैं और 33 पोते हैं। उनका घर एक 4 माले की इमारत है जिसमें 100 कमरे हैं। जियोना ये चना पॉल नाम के एक क्रिश्चियन संप्रदाय के मुखिया हैं जिसमें बहुविवाह की इजाजत है। वो कहते हैं कि और शादियां करने अमेरिका भी जाना पड़े तो वो तैयार हैं। नंबर 7, चोला और पल्लवा साम्राज्य ये भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में 500 से 1000 सालों तक राज किया। महिलाओं के परंपरागत पोशाक पल्लू और चोली ने इन्हीं तमिल साम्राज्यों से नाम पाया है। नंबर 6, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई की जब मृत्यु हुई तब उनकी अंतिम यात्रा में 1,50,00,000 लोग शामिल हुए थे, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रह चुका है। नंबर 5, विश्व की सबसे बड़ी स्कूल लखनऊ में है। सिटी मोंटेसोरी स्कूल में 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। नंबर 4, भारत के संविधान ने देशवासियों को आजादी के पहले ही दिन से वोट करने का अधिकार दिया था, जो एक अनोखी उपलब्धि है। अमेरिका, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र है, उनके देशवासियों को आजादी के 150 साल बाद यह हक प्राप्त हुआ था। नंबर 3, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सूत्रों के मुताबिक हर साल अमेरिका और UK के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड भारत के नाम बनते हैं। नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत भाषा अब भी भारत के कुछ गांवों में रोजाना बोली जाती है। मट्टूर कर्नाटका, झीरी मध्य प्रदेश और सासन ओडिशा में गांव वाले सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, पूरे विश्व में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत में है, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय मस्जिद हमारे यहाँ है, जिनकी संख्या 3,00,000 से भी अधिक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय और जय हिंद।